एक सन्नाटे भरी रात थी जिसमें सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही, बारिश की बूंदें जो मिट्टी पर गिर रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे थे, बिजली कब की जा चुकी थी और अंधेरा ऐसा था जैसे रात का साया सब कुछ निगलने को तैयार हो। गांव के बाहर अचानक एक तेज रोशनी आसमान से गिरती हुई चमकी और जैसे ही वो रोशनी जमीन पर गिरी, एक अजीब चीज रेंगती हुई बाहर निकली। वो कोई झपट्टा मारने वाली चीज थी जो अब धरती से रेंगती हुई अपनी राह बनाने लगी। उसकी बनावट से मालूम हो रहा था कि वो इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं थी, वो कुछ और ही थी, कुछ ज़्यादा ही डरावनी। वो चीज़ रेंगती हुई गांव की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में उसका सामना एक सांप से होता है जो अपने बिल से निकलकर उस अजीब जीव के सामने आ गया। उस जीव ने सांप के अंदर घुसकर अपनी जगह बना ली। सांप के रंग और रूप में अजीब बदलाव होने लगा। सांप अब एक घर की तरफ बढ़ने लगा जहां एक गर्भवती औरत अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। उस घर का दरवाज़ा खुला था और वो सांप उस घर के अंदर घुस गया। अचानक उस औरत ने अपने पैरों के पास कुछ हलचल महसूस की। उसने अपनी घबराई हुई नज़र अपने पैरों की तरफ डाली। सांप उसके पैर के करीब था लेकिन उसे कुछ देखने का समय नहीं मिला। उस सांप ने तुरंत उसके पैर में काट दिया। औरत ने ज़ोर से चीख मारी लेकिन उस अंधेरे और बारिश के शोर में उसकी आवाज़ घर के बाहर नहीं जा पाई। कुछ ही देर में उस औरत की आंखों में अजीब दर्द और डरावनी सी चमक आई। उसके पैर से काला रंग फैलता हुआ उसके पूरे शरीर में घुस गया। लेकिन उस वक्त उसकी सोच उसके बच्चे पर थी जो उसके गर्भ में था। उसने सोचा कि शायद तूफान और थकान की वजह से है। रात के उस अंधेरे में जब बिजली भी नहीं थी, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया लेकिन जो जन्म हुआ वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था, एक मिलन था इंसान और उस अजनबी जीव का। वो बच्चा आधा इंसान और आधा कुछ और अजीब सा था। उसके पैर सांप जैसे थे और उसका चेहरा किसी प्राचीन जीव जैसा था। उस औरत को अंधेरे और ममता के आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। जब बच्चा दूध पीने लगा तो उस औरत के पैर में ठंडक और दर्द का एहसास होने लगा। बच्चा सिर्फ दूध नहीं, उसके साथ उसकी माँ का खून भी पी रहा था। कुछ ही देर में वो औरत अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी लेकिन बच्चा अब भी भूखा था। उसकी आंखें लाल और तेज हो गई थी और उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने अपने तीखे नाखून और लंबे दांतों के साथ अपनी माँ के चेहरे पर एक आखिरी नज़र डाली और फिर उसने अपनी माँ का मांस खाकर अपनी भूख मिटाना शुरू किया। जब वो बच्चा पूरी तरह से उसका मांस और खून चूस चुका तब तक वो और भी बड़ा और ज़्यादा खतरनाक रूप ले चुका था। अब वो जीव सिर्फ एक चीज़ ही चाहता था, खून और मांस। इसलिए अब वो चलकर घर से बाहर निकल गया। गांव के लोग अभी भी सो रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि रात की सन्नाटे में एक मौत का फरिश्ता उनके गांव में घूम रहा था। वो जीव जो अब इंसान और एलियन का मिश्रण था अपने नए शिकार की तलाश में गांव में घूम रहा था। वो एक पुरानी और टूटी हुई खिड़की के अंदर घुस गया जहां एक बुढ़िया अपने कमजोर शरीर के साथ सोई हुई थी। उस बुढ़िया को पता भी नहीं चला कि
मौत उसके सिरहाने खड़ी है। उस जीव ने बिना किसी देरी के उसकी गर्दन पर अपने पीछे दांतों से हमला किया। बुढ़िया के चेहरे पर एक पपनाक चीख थी। अंधेरे और बारिश ने उस चीख को घर के बाहर नहीं जाने दिया। एक दिन में ही वो बच्चा एक पूरी मौत की मशीन बन चुका था। गांव में जब दो चार आदमी मारे गए और एक आदमी ने जब जमीन पर मांस के टुकड़े और लाशों को देखा तो उसने गांव के कुछ लोगों को बता दिया। रातों रात गांव में यह बात फैल गई कि कोई खतरनाक जानवर गांव में घुस गया है और लोगों को मार कर खा रहा है। अब गांव वाले डरने लगे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जीव अब तक शैतान का रूप दे चुका था, जो अपने शिकार की तलाश में एक के बाद एक घर में घुस रहा था। एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे थे। सबको लग रहा था कि वो किसी खतरनाक जानवर का शिकार हो गए हैं, लेकिन वो सच नहीं जानते थे। सच ये था कि एक अजनबी जीव अब उनके बीच इंसान के रूप में शिकार कर रहा था और उसका बस एक ही मकसद था, अपनी भूख मिटाना। पूरी रात वो जीव गांव के चप्पे चप्पे में मौत बनकर घूम रहा था। सुबह होने से पहले वो गांव आधे से ज़्यादा खाली हो चुका था। जो लोग बचे थे वो अपनी जान बचाकर भाग चुके, और जो नहीं बच सके उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक डर जो मौत से भी बुरा था। सुबह तक पूरा गांव खाली हो चुका था। गांव का नाम अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था, और उस अजनबी इंसानी जीव का सफ़र अब शहर की तरफ था। वो शैतान अपने नए शिकार की तलाश में अगले शिकार की ओर निकल पड़ा, एक नए मौत का किस्सा लिखने के लिए।